उठ गया ये भाई अपने पूरी अच्छी तरह पैकिंग करते हुए और एहतिशाम चलो भाई ये फिर चले फिर चलो भाई रेडी सब कुछ सामान वामान कुछ नहीं है इधर और हमने साफ भी कर दिया गंद भी फेंक दी चलो चलते हैं फिर तो चल पड़े अब हम थाजावास की तरफ थाजावास भाई थाजवास की तरफ वहाँ पे हम और एक सेकंड डे कैंप लगाएंगे वहाँ पे नदी भी है सामने मज़ा आ जाएगा तो ये हम उठाते हैं खुद वो बंदा उठा रहा था चलते हैं घोड़ा गया नीचे से भाई मारेगा शॉर्टकट यहाँ से सीधा नीचे एंजॉय करना है इसने यार प्रदेश से आया है इधर से आना इधर वाले साइड आई साइड वाले ये पहली वाटर क्रॉसिंग मिली इधर पानी देख सकते हो आप बस अब इधर से चढ़ना है और लेफ्ट जो है ना वो वाइट वहाँ पे जाना है हमने एंड पे चलो चलते हैं मतलब चलो बर्फ पे फ्री वो भी काफी 10 रुपए की सॉफ्टी यहाँ से ली भाई ने खानी है अब हमने इधर से जाना है ऊपर की तरफ इधर से फिर टर्न करना है अब असली मेन ट्रैक स्टार्ट होगा क्या मुकी भाई अच्छा गॉगल है भाई भाई ये मुझे बताओ ट्रैकिंग कैसी लग रही है आपको भाई ठीक ही अब सामान हमारे पास बहुत है हाँ भाई मतलब हमने इतना लाया ना हाँ भाई जैसे शिफ्ट करता है ना बंदा कोई फ्लैट में उतना ही सामान हमने 10 बंदों का सामान लाया है 10 बंदों का सामान है बंदे हम 3 ही हैं बस हाँ भाई अच्छा रात कैसी निकली आपकी रात तो मस्त थी हाँ भाई बारिश का कैसा लगा बारिश पहले लगी फिर रुक गई फिर हमने वो और एक एक्स्ट्रा तरपाल मंगाई ऊपर से बंदे से अच्छा बस उसने लाया फिर सेफ हो गया था सारा जरा आज का स्पॉन्सर दिखा दो ये जो आज का स्पॉन्सर है आपका ये हाँ भाई बेली बेली वाटर हाँ स्पॉन्सर डील है कुछ मैंने तो मुक्का नहीं किया यार इधर भी बहुत है भाई अपना नहीं तो ओके तो भाई पहुंच चुके हम थाजावास ग्लेशियर मुकित कहाँ पे लगाया था पहले तूने भाई ये टेंट ऊपर यहाँ पे ऊपर लगाया था यहाँ पे थी तब बर्फ थी आया था कैंपिंग करने भाई इधर की धूप बहुत तेज है पहुंच चुके हैं अब हम कैंप की लोकेशन ढूंढेंगे आगे ज़्यादा रश है कुछ भीड़ भाड़ ज़्यादा है हमें थोड़ा अलग रहना है हमने बिस्किट बाद में अभी टेंट ही नहीं किधर नाम क्या है तेरा शकील क्या बात है और आपका मुकीत बाद में आना भाई आ रहा है जूता निकाल के मैंने भी निकाल दिया था यहाँ पे रखा है गीला ना हो जाए मिल गए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कैंप लोकेशन नेक्स्ट ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे सबका अपना अपना होता है मेरे हिसाब से मैगी कुरकुरे मजा ये लोकेशन
तो ये वाली लोकेशन पर हम कैंपिंग करने वाले हैं, ये बड़ा सामान वगैरह। मेरे दम बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे जुण में जे यार रो करता अखा दा दिला उते करे जब जे आओ बोर वांगू जड़ा मुंड टुकी अखड़े लोका दा दी अंगे पिंगे बोले घूमते मेरे मिंडो मिंड पट ना तू हस बल्ली ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ किन्ने टकने पिंडे ते ना तू गिण बल्ली होया पैल पूना कर तेनू चिर बल्ली। अच्छा भाई चल दिया भाई। ए भाई मिले थे अमृतसर से। ओके भाई क्या बोलना चाहेगा भाई? हवा कितनी तेज है, तू इतनी तेज गाड़ी चलाता है, याद कर इससे भी तेज। बस में कहता हूँ ये चल रहा है ऐसे सब कैंपिंग साइट ही है। आपको मिलेंगे बाद में फिर से, तब तक के लिए बाय। परावा लगे सही, अच्छा टेंट है, मजा आएगा अंदर सोने में। टेंट लग चुका है बट ये ना पानी की हवा आ रही है बड़ी यार, अब देखते हैं। सेट हो गया भाई। कीच इधर पड़ी हैं लकड़ियां हमारी, ये हमारी लकड़ियां इसको। हम आए थे इधर ना पानी में थोड़ा डुबकी मारने, पर ये पानी बोट ये माइनस पानी है सीधा ग्लेशियर का, पर एहतिशाम बोल रहा है मैं मारूंगा तो देखते हैं, क्योंकि इसने मारी है बहुत बार डुबकी। चलो देखते हैं, लेट्स सी। बाकी नज़ारा देखो भाई आप कितना सही है, अभी इधर सारा खाली हो जाएगा, इधर कोई नहीं होगा। भाई पैर को क्या हो गया, कैसे मारेगा डुबकी? ओ भाई भाई मेरे पैर ना, मैं पैर नहीं रख पा रहा था भाई, पूरा पानी के अंदर गया। यहाँ पे ना ये बंद कर दिया डोर तो स्टार्टिंग का। अब मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, कॉफ़ी आती शाम कॉफ़ी, तो मैं अंदर बैठा हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, बनाते हैं। चल भाई मस्त है भाई जो भी है। तो भाई आज सेकंड डे है कुकिंग का, तो मुकीत यहाँ पे अनियन प्याज काट रहे हैं। तो मुकीत क्या बना रहे हो आप भाई? पनीर कोरमा। तो पनीर कोरमा बना रहे हैं, तो हमने ये ना ये वहाँ से लाई है टोमेटो प्यूरी वगैरह। एक हमने बड़ा डिब्बा लाया था वो लोहे का कुछ टीन का, तो वो थोड़ा ना टेस्टी नहीं था, तो यही लाया हमने अब। तो ऐसे काट रहे हैं और बाहर का नज़ारा देखो, क्या हवा चल रही है। गैस का टाइम
ऐसा भी टाइम क्या बात है भाई। टेंट के पास आ गए छोटे छोटे बच्चे। हाँ इनके भी कुत्ते हैं हमारे भी कोई नहीं आएगा। चलो ठीक छोड़ते हो ना खुले उनको। शुक्रिया ना। हाँ आज तो कुर्सी आता ना। हाँ आज तो कुर्सी पढ़ के बेहोश दू निशाना लगा देना तीन बार पढ़ उस पर भरोसा कुछ नहीं जा दरिया में भी जाओगे ना कोई गिर नहीं। शुक्रिया भैया। ठीक है किसी चीज़ की जरूरत होगी किस साइड में रहती है तो भाई इधर बहुत ठंड लग चुकी है मैंने अपर साथ में लाया है तो आप ये लगाते हैं। और भाई वो देखो कहाँ पे चले गए आपको जूम करके दिखाता हूँ ये लकड़ियाँ लाने गए हैं क्योंकि अभी लेट हो जाएगा और लाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने अपर लगा दी है क्योंकि हुडी लगा दी है क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ व्यू कितना मस्त है और यहाँ की तरफ से भी व्यू कितना मस्त है। और थोड़ा चांस बनता है यहाँ से बालू शालू का आने का बट ऊपर वाला करे उनका हाथ हमारे ऊपर रहे बाकी ये सब नहीं होगा क्योंकि एक बंदा अभी बोल के गया यहाँ से इतना खतरा नहीं है। इसको कितने निकलेंगे दो दिन इसको दो दिन निकलेंगे कह रहे दो दिन ये और वो भी है वो भी एक बजे तक कल दिन के एक बजे तक रात के एक बजे तक। अच्छा दो बिस्किट मुझे मैं खाता हूँ देखा भाई। मुकीत और मैं जा रहे हैं सीधा ऊपर लकड़ियाँ लाने बस बड़ा हो गया अब क्या हो गया मुकीत। हाँ निकाल हाँ हाँ भाई जंप मारो कि कहाँ से जंप मारो हनी जंप पड़ी है नहीं रुक जा ले ऊपर वाले कर जा मैं उतरूंगा नीचे मुझे क्या है कू ये है ये भाई ओ भाई वो आ गया तिरपाल लेके वो देख भाई ऊपर भाई साहब वो देख भाई वहाँ देख पाई भाई वहाँ देखा वो सामने देखा वो दूर पाई कल वहीं जाना है भाई। तो यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं बस अब कल चढ़ेंगे अंधेरा हो गया ना। जी सर तू जा रहा है छोड़ने ये मैं छोड़ के आ जाऊँ। चल ठीक है जा तू भाई फिर मैं तब तक और ढूंढता हूँ मैं भी आया तेरे पीछे। शकील आ गया भाई शकील सब लाया शकील देखो यार क्या बात है शकील शकील आज हमारे साथ है।